सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि थापा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। ये फैट लॉस काफ़ी यानी कोरोना के बाद काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, हेल्थ के रिगार्डिंग या फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ भी हो, यानी लोग हेल्थ अवेयरनेस और फिटनेस अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। लोग आज अधिक अधिक से अधिक फिट होना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो लोग आजकल कुछ भी वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटी करते रहते हैं। बट इस एक्टिविटी में यानी कुछ भी हम एक्सरसाइज की अगर बात करें तो लोगों को पता नहीं है कि फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस में क्या अंतर होता है। अगर फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस की हम बात करें तो ट्रेनर को या फिर हमारे जो डाइटिशियन होते हैं उनको ही पता होता है कि फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस में क्या अंतर होता है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैट लॉस में क्या होता है और वेट लॉस में क्या होता है, ये पॉइंट बाय पॉइंट और साइड बाय साइड हम आज जानेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो फैट लॉस में हमारा फैट कम लूज होता है, ज़्यादा लूज होता है और मसल्स और वाटर कम लूज होता है। और वेट लॉस में बात करें तो वेट लॉस में इसका थोड़ा ऑपोजिट साइड यानी उल्टा होता है, फैट कम लूज होता है और मसल्स और वाटर लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कोई वेट लॉस तो कर लेता है, यानी महीने में 10 kg यानी 5 kg 6 kg लूज तो कर लेते हैं, बट इन फ्यूचर उनके फैट बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर दूसरे पॉइंट में बात करें हम ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग तो दोनों की सेम ही रहती है, बट उसमें लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और कार्डियो को कम, यानी कार्डियो को भी प्रायोरिटी देना चाहिए बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फैट लॉस करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे बेटर ऑप्शन है। और कार्डियो अगर आप अब हफ्ते में तीन या चार दिन 15 से 20 मिनट यानी इनफ है इतना। और अगर जिसको यानी वो सोच रहा होता है कि मुझे महीने में 10 kg करना है, ये करना है लूज, और तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के में कम फोकस करेंगे और कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी कार्डियो भी इतना करेंगे वो कि 15 से 20 मिनट भी नहीं, आधा घंटा, एक एक घंटा तक, डेढ़ घंटा तक यानी कार्डियो ही करते रहेंगे। उनको उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि अगर हमें मुझे वेट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो ही करना है और कुछ नहीं करना है, यानी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कम फोकस करते हैं। और तीसरे पॉइंट की हम बात करें डाइट में, डाइट तो दोनों का सेम रहेगा बट उसमें क्वांटिटी का फ़र्क हो जाता है। अगर आप जब फैट लॉस कर रहे होते हैं तो डाइट में हमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए और कार्ब्स और फैट मिनिमम रखना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि कार्ब्स और फैट, आप कार्ब्स 100 ग्राम पर डे ले रहे हो और फैट 50 ग्राम ले रहे हो, तो प्रोटीन का इंटेक कार्ब्स से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि 100 ग्राम कार्ब्स है तो आपको 110 या 120 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। और अगर जो जिनको महीने में 10-12 केजी लूज़ करना है तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन की क्वांटिटी कम रखेंगे और कार्ब्स और फैट उसकी क्वांटिटी यानी फैट की क्वांटिटी भी कम ही रखेंगे बट कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत हाई रखेंगे। यानी मान लीजिए कि प्रोटीन दिन का 50 ग्राम आ रहा है और फैट 25 ग्राम आ रहा है, 20 या 25 ग्राम आ रहा है, या फिर तो कार्ब्स की क्वांटिटी होगी या 200, 300, 400, वो शायद काउंट भी नहीं कर सकते उतना दिन भर में पर डे यानी कार्ब्स लेते रहेंगे। और चौथे पॉइंट की हम बात करें तो एप्स की ट्रेनिंग, अगर हम एप्स ट्रेनिंग की बात करें तो कोई भी मसल जैसे कि हम बाइसेप को ट्रेन करते हैं या फिर चेस्ट को ट्रेन करते हैं या फिर ट्राइसेप हो गया, लेग्स हो गया, कोई भी मसल हो गया, वैसे भी हमारे एप्स मसल ही है, तो हमें हफ्ते में सिर्फ दो बार
उसे ट्रेन करना चाहिए मैक्सिमम 3 बार, 3 बार इनफ है। बट लोग क्या करते हैं, जिनको वेट लूज करना होता है जल्द से जल्द, वो एवरीडे एप्स करते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर मैं डेली एप्स करूँगा तभी मेरा बेली फैट कम होगा। वो स्पॉट रिडक्शन पे उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे बेली से फैट हटाना है तो वो क्या करेंगे, एवरीडे एप्स करेंगे। जब भी आएंगे यानी कुछ जैसे ही चेस्ट का वर्कआउट किया उसके बाद एप्स करेंगे, बैक का वर्कआउट किया उसके बाद एप्स करेंगे, लेग्स का वर्कआउट किया उसके बाद एप्स करेंगे। यानी उनकी मैंटेलिटी ऐसी हो गई कि जब तक मैं एप्स नहीं करूँगा तब तक मेरा बेली फैट कम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।